स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर हेल्थी एंड हैप्पी। इस क्लास में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन हार्ट के लास्ट पोर्शन को कवर करेंगे। ये वीडियो इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। आप ह्यूमन हार्ट और उसके फंक्शन को समझने के लिए हमारे प्लेलिस्ट से पीछे के दोनों पार्ट को भी देख सकते हैं। आपका हार्ट बीट कैसे करता है, आपके हार्ट बीट के पीछे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क करता है। हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से हार्ट के चारों चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसके कारण हार्ट पूरे बॉडी टिश्यू को ब्लड पंप करता है। ये सब साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और कुर्टिंजे फाइबर्स मिलके करते हैं। सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जनरेट करता है। साइनो एट्रियल नोड वो स्पेशल सेल्स है जो हार्ट के राइट एट्रियम के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। साइनो एट्रियल नोड हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है। साइनो एट्रियल नोड नॉर्मल कंडीशन में एक मिनट में 60-100 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है। इससे हार्ट का अपर चेंबर एट्रियम एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद साइनो एट्रियल नोड ने जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस प्रोड्यूस किया था वो इंटर एट्रियल सेप्टम में मौजूद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास जाता है। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हार्ट के इंटर एट्रियल सेप्टम पे मौजूद कोरोनरी साइनस के कॉच ट्रायंगल में होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड सिग्नल को थोड़ा स्लो कर देती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड जब तक वेंट्रिकल में नहीं आ जाता, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से डाइवर्ज होके हार्ट के लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस और कुर्टिंजे फाइबर्स तक जाती है। कुर्टिंजे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन इम्पल्स को वेंट्रिकल के मायोकार्डियम तक भेजते हैं। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स के मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और पूरा ब्लड फोर्स के साथ हार्ट के बाहर आ जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर आता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर आता है। अगर साइनस नोड ठीक से काम ना करे या फेल हो जाए तो कुर्टिंजे फाइबर्स खुद भी एक मिनट में 15-40 हार्ट बीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब कुर्टिंजे फाइबर हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं तो इसे प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब ये समरी देखिए, इसमें हमने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। Your heart is located between your lungs in the middle of your chest, behind and slightly to the left of your breastbone sternum. A double-layered membrane called the pericardium surrounds your heart like a sack. The outer layer of the pericardium surrounds the roots of your heart's major blood vessels and is attached by ligaments to your spinal column, diaphragm, and other parts of your body. The inner layer of the pericardium is attached to the heart muscle. A coating of fluid separates the two layers of membrane, letting the heart move as it beats. Your heart has four chambers. The upper chambers are called the left and right atria, and the lower chambers are called the left and right ventricles. A wall of muscle called the septum separates the left and right atria and the left and right ventricles. The left ventricle is the largest and strongest chamber in your heart. Through your heart, the tricuspid valve regulates blood flow between the right atrium and right ventricle. The pulmonary valve controls blood flow from the right ventricle into the pulmonary arteries, which carry blood to your lungs to pick up oxygen. The mitral valve lets oxygen-rich blood from your lungs pass from the left atrium into the left ventricle. The aortic valve opens the way for oxygen-rich blood to pass from the left ventricle into the aorta, your body's largest artery. The heart's pumping action is regulated by an electrical conduction system that coordinates the contraction of the various chambers of the heart. All this is controlled and regulated together by sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His and Purkinje fibers. Electrical impulses from your heart muscles, the myocardium, cause your heart to contract. This electrical signal begins in the sinoatrial node, located at the top of the right atrium. The sinoatrial node is sometimes called the heart's natural pacemaker. An electrical impulse from this natural pacemaker travels through the muscle fibers of the atria and ventricles, causing them to contract. Although the sinoatrial node sends electrical impulses at a certain rate, your heart rate may still change depending on physical demands, stress, or hormonal factors. The heart and circulatory system make up your cardiovascular system. Your heart works as a pump that pushes blood to the organs, tissues, and cells of your body.
Blood delivers oxygen and nutrients to every cell and removes the carbon dioxide and waste products made by those cells. Blood is carried from your heart to the rest of your body through a complex network of arteries, arterioles, and capillaries. Blood is returned to your heart through venules and veins. खुद को पढ़ाने के लिए और हमें पढ़ाने का मौका देने के लिए थैंक यू। अगले क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।